और एक और बड़ी खबर कोडरमा से सामने आ रही है। बाजार समिति में भीषण आग लगी है। फलकत्ती में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की घटना है। घटना के बाद समिति में अफरा तफरी मची हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल आप कोडरमा से टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं बाजार समिति की, जहां पर यह भीषण आग लगी हुई है। फलगद्दी में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग का कारण। घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी देखने को मिली। घटना के बाद समिति का ये तस्वीर सामने आया है। कोडरमा से एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। भयावह आग लगी वहां पर, फलगद्दी बताया जा रहा है कि जहां पर शॉर्ट सर्किट कारण बताया गया आग लगने का। कोडरमा से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप फिलहाल टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर कोडरमा से संवाददाता आर्यन जुड़ चुके हैं। आर्यन, ये बड़ी खबर सामने आ रही है आग लगी की, बताया गया कि शॉर्ट सर्किट है कारण। फिलहाल आपके पास और क्या कुछ जानकारी, कितने का नुकसान हुआ है? घटना है जहाँ पे आटी बंगला रोड में बाजार समिति सारे जो दुकान थे वो फल मंडी है, वहाँ पे सब्जी की भी मंडी है वहाँ पे, तो वहीं पे पहले शुरुआती दौर में यही पता चला कि शॉर्ट सर्किट की वजह से एक दुकान में आग लगी है और प्लास्टिक के जो कैरेट होते हैं जिसमें सब्जियां लाई जाती है, फल लाए जाते हैं, उसमें आग पकड़ लिया। हालांकि एक एक करके वो कैरेट को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक एक से दो, दो से तीन, ऐसे करके सात आठ दुकानों में आग फैल गई और पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। दमकल को सूचना दी गई, उसके बाद दमकल मौके पर पहुंची। स्थानीय लोग अपने स्तर से आग को बुझाने का काफी प्रयास कर रहे थे, लेकिन आग इतनी जोर लगी थी कि वो बुझाना मुश्किल था स्थानीय लोगों की मदद से। तो फिर जब दमकल पहुंची है तो आग पर काबू पाया गया है, लेकिन अब तक जो बताया जा रहा है उसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल आर्यन, फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। दमकल की गाड़ी वहां पर पहुंच चुकी है, आग बुझाने की कड़ी मशक्कत जारी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।